श्री राम मंदिर बस्ती दानिशमंदा जालंधर में श्री राम नवमी के उपलक्ष्य में चौथी प्रभात फेरी निकाली गई। ये प्रभात फेरी मंदिर प्रांगण से शुरू होकर इलाके की परिक्रमा कर वापस मंदिर प्रांगण में आकर संपन्न हुई। इस अवसर पर प्रभु भक्तों ने भगवान श्री राम जी की महिमा का गुणगान कर माहौल को भक्तिमय रूप प्रदान किया। इस मौके पर मंदिर कमेटी के चेयरमैन बलदेव राज चौहान ने बताया कि श्री राम नवमी के उपलक्ष्य में 24 मार्च से लेकर 29 मार्च तक प्रातः प्रभात फेरियां निकाली जाएंगी। उन्होंने सभी राम भक्तों से इन प्रभात फेरियों में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील भी की। इस मौके पर प्रधान सतनाम अरोड़ा, सचिव महेश सोडी, कोषाध्यक्ष जनक राज, सतपाल बिंदु, हरबंस लाल अरोड़ा, शिव कुमार शर्मा, दिनेश कुमार, किशन लाल सोनिक, सविता रानी, प्रियंका, नीरू, डिंपल, ज्योति, सुमन, कांता, संयोगिता, संगीता सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन दविंदर की रिपोर्ट। श्री राम मंदिर न्यू रसिला नगर बस्ती दानिशमंदा में पंचम नवरात्र स्कंद माता स्वरूप में जो है श्री माताओं द्वारा दुर्गा स्तुति का सुंदर पाठ हो रहा है। सभी भक्त यहाँ पर आकर के दुर्गा स्तुति का पाठ करते हैं। इस नवरात्रों के हिंदू में हमारे 2180 संवत चल रहा है। नए संवत पिंगल नाम संवत है और 2180 संवत 2180 चल रहा है। तो ये नव वर्ष हिंदू के जो है इस चैत्र नवरात्र में हमारे हिंदू नववर्ष आता है और 30 तारीख को जो है भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म है। श्री राम नवमी है, उस दिन श्री राम मंदिर को अखंड रामायण पाठ 29 तारीख को अखंड रामायण का पाठ रखा जाएगा, 30 तारीख को उसका भोग पड़ेगा। तो मेरा सभी भक्तों का विनम्र निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में श्री राम मंदिर में आकर के श्री भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का गुणगान करें। Thank you.
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अज श्री राम सौ कमेटी वालों श्री राम मंदिर न्यू श्रीलानगर तो जी चौथी प्रभात फेरी का शुभारंभ होया सी। अज वख वख जगह पर जाके नगर की परिक्रमा करती हुई श्री राम मंदिर में आके विश्राम किया उन्होंने प्रभु राम जी ने। और मैं इस नवरात्र के उपलक्ष्य में जो अज स्कंद माता का पंजवां छेवां नराता है मैं बहुत बहुत बधाई देना सबनों। महाराणी इस तरह सब से मेर पर हाथ रखे, इन्हें तंदुरुस्ती बख्शे और सदबुद्धि बख्शे, ऐसे धर्म के काम के नाल जुड़े रहन। 29 तारीख को एक बहुत विशाल शोभा यात्रा जो कि श्री राम मंदिर न्यू श्रीलानगर तो चलेगी और श्री देवी तला मंदिर के नाल जाती हुई सारे शहर की परिक्रमा करती हुई शाम को वापस आके श्री राम मंदिर में भी शाम करेगी। और उस तो बाद 29 तारीख को सवेरे सारे दुग्गल परिवार वालों एक रामायण जी का श्री पाठ जो है शुभारंभ कर रहे हैं जो कि 30 तारीख को दोपहरे 12 बजे के करीब उसका भोग पवेगा, विश्राम करता दिता जाएगा। और उस तो उपरांत विशाल लंगर भी बनाया जाएगा। मैं सारे ही बस्ती निवासियों को कहना प्रार्थना करना कि सारे ही उस दिन असी उस शोभा यात्रा के नाल शहर की परिक्रमा करने वास्ते जरूर चलीए और महाराणी दे श्री राम जी दे गुणगान करते हुए अपने जीवन में सफल बनाइए। मैं इस उपलक्ष्य के बच्चे जो उपरालाना किया श्री शीतल बेद जी ने, राजेश बेद जी ने, उन्होंने पूरी टीम ने श्री देवी तला मंदिर में बहुत बहुत लख लख बधाई देना जिन्होंने इन्ना वड्डा उपराला करके सारे समाज को सारे सनातन को इकट्ठिया करने की कोशिश की है। मैं बहुत बहुत इन्हों का भी फिर द्वारा धन्यवाद भी करदा और सबनों नमन भी करदा कि परमात्मा इन्होंने इस तरह ही सेहत बनाई रखे और तंदुरुस्त रहन और समाज की सेवा करते रहन। जय श्री राम।